तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल फोकस यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रकाश दुर्लभ, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज इस वीडियो होने वाला है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो रिकमेंड करते हैं भाई हमेशा एडसेंस अप्रूवल कुछ कोर्स दिखाओ। तो पिछले वाले वीडियो जो लोग देखे हो, जो लोग नहीं देखे हो, सभी को बोल रहा हूँ, पिछले वाले वीडियो में मतलब पार्ट वन में हम आपको दिखाए थे कैसे एक फ्री ब्लॉग बना के उसके ऊपर एक प्रीमियम थीम चला के उसको एडसेंस अप्रूवल के लिए तैयार किया जा सकता है। मतलब पूरा थीम सेटअप उस वीडियो में मैंने दिखाए वाला था, वो वीडियो आप आई बटन में देख सकते हो, आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। पार्ट वन और पार्ट टू होने वाला है, जहाँ पर आपको आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा कि कितना ट्रैफिक के बाद हम एडसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे और एडसेंस हमें अप्रूवल दे देगा कौन सा टॉपिक लेने के बाद। मतलब हम आज एक टॉपिक के ऊपर बताएंगे और कैसे आर्टिकल लिखना है वो भी बताएंगे, और वो रिलेटेड अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल दे देगा, चाहे आपके वेबसाइट में कम भी ट्रैफिक क्यों आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपको पूरा चीज दिखा देते हैं कैसे आपको अपनी वेबसाइट को रेडी करना है और कितना ट्रैफिक के बाद एडसेंस अप्रूवल दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, गूगल एडसेंस अप्रूवल क्लास टू में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे अपने वेबसाइट को, मतलब यहाँ पे देखिए ब्लॉगस्पॉट पे मैंने अप्रूवल करके दिखाऊंगा आपको लाइव एकदम, यहाँ पे आपको कैसे पोस्ट डालना है और सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को कैसे सबमिट करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल ओपन किया और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल का टूल आ गया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ में क्लिक करोगे आप सभी लोग जानते हो, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। तो एकदम नीचे आना है यहाँ पे और ऐड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, और इधर पे आपको नहीं करना है, जिसके पास डोमेन है वही इधर पे अपने डोमेन को सबमिट कर सकते हैं, पर हमारे लिए एक यूआरएल प्रीफिक्स करना होगा। और इधर पे कंटिन्यू जो बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि एक ही जीमेल पे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इधर पे आ गया है सब कुछ, और अभी इधर पे क्या करना है, साइट मैप सबमिट करना है। तो साइट मैप सबमिट करने के लिए आपको पहले देखना है कि यहाँ पे robot.txt फाइल सबमिट किए हो कि नहीं। अगर आप साइट मैप यहाँ पर कोई भी एरर आएगा तो मानोगे कि आपके यहाँ पे जो सेटिंग में robot.txt है वो फाइल नहीं आप ऐड किए हो अभी तक। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरा जो robot.txt फाइल है वो इधर पे है कि नहीं। तो हाँ, मेरे पास robot.txt फाइल है, तो इसको इधर से यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है। ये एटम फाइल कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एटम फाइल को मैं इधर से कॉपी करके इधर तक ले लूँगा, सिर्फ यहाँ पे जो एटम लिखा है ये एटम इधर पे रखना है, बाकी का रिमूव कर देना है। यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो गया है एक बार में ही। अगर आप robot.txt फाइल, मतलब इधर पे अगर robot.txt फाइल अपलोड नहीं की हो तो इधर पे एरर आएगा। ठीक है, तो इधर पे एरर आएगा, मेरा सक्सेस नहीं होगा, कांट बी रीच इधर के कुछ आएगा लिख के। तो डालने के बाद आपको क्या क्या करना है अपनी वेबसाइट को, पहले तो आपको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में डालना है, वरना आप ट्रैफिक नहीं चेक कर पाओगे, या आपकी वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, भले ही आर्टिकल में कितना भी एसईओ हो ना। ठीक है, तो इतना आपको करना है, और यहाँ पे सोशल लिंक सब चेंज कर लोगे। और अभी आपको पेजेस बनाना है, मतलब ये जो पेजेस आप देख रहे हो ये सारे के सारे पेजेस आपको बना लेना है। तो पेजेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, जनरेटर को यूज़ करना है। इसलिए गूगल पे आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, और इधर पे आप देख सकते हो नंबर टू में जो आर्टिकल दिख रहा है यहाँ पे देखिए 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालना है, मतलब आपके वेबसाइट का नाम क्या है। तो सेटिंग में आपको अपना वेबसाइट का जो भी नाम डाले है आप, वो इधर पर आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इधर पर डाल दूंगा। आप सभी लोग शायद पिछले वाले वीडियो में देखे हो, तो अभी क्या करना है, यूआरएल डालना ही देते हैं। यहाँ पर आप यूआरएल भी डाल सकते हो, या आपके वेबसाइट का जो नाम है वो भी डाल सकते हो। तो मैं इधर पे यूआरएल डालूंगा जिधर पे यूआरएल है, और वेबसाइट का जो नाम है वही कॉपी करके इस जगह में डाल दूंगा। हो गया है अभी मेरा काम, तो अभी जस्ट मुझे थोड़ा छोटा कर लेना है, वरना आप देख नहीं पाओगे। तो इधर पे देखिए नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और बाकी का यहाँ पे बोल रहा है डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, अगर कुकीज़ यूज़ करना चाहते हो ऑन करोगे
यहाँ पर बोल रहा है डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू द गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। अगर आप इधर पे नो करोगे ना तो एक प्राइवेसी पॉलिसी के चक्कर में आपको कभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इधर पे बोल रहा है डू यू शो एड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट, अगर आप चाहते हो तो थर्ड पार्टी वेबसाइट का एड्स चलाओगे, जैसे कि इकोजी होता है और जो है बाकी का, अगर आप उसका भी एड्स लगाना चाहते हो तो ऐसा करोगे, उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे, हो गया है। अभी इधर पे आपको क्या करना है, इधर पे आपको अपना जो कंट्री है वो कंट्री चूज कर लेना है, ठीक है। तो हमारा जो कंट्री है वो हम चूज कर लेंगे, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट, आप महाराष्ट्र का हो जो कोई भी स्टेट का हो वो यहाँ पे चूज कर लोगे। और इधर पे आपको अपना जो ईमेल आईडी होता है वो ईमेल आईडी डालना होगा। तो मेरा जो ईमेल आईडी है इधर पे आपको मिल जाएगा, तो ये वाला मेरा ईमेल आईडी कॉपी करता हूँ और इधर पे डाल देता हूँ। बस इसको आपको जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करोगे और आपका जो जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी जो है एकदम आपके सामने तैयार होकर आ जाएगा। जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और मुझे चले जाना है अभी ये जो पेज का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे। और न्यू पेज में क्लिक करोगे, न्यू पेज में क्लिक कर देने के बाद पेंसिल बटन में क्लिक करोगे और यहाँ पे एचटीटीपी मिल जाएगा आपको, आपको सिंपल यहाँ पे डाल देना है। और इधर पे आपको क्या नाम रखना है, प्राइवेसी पॉलिसी। तो इधर से इधर तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पे इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज मेरा तैयार होके आ गया है, अभी इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ऐसे करके आपको पांचों पेजेस तैयार करना है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है और मुझे तैयार करना है प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर जनरेटर, तो यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर जनरेटर लिखना है। डिस्क्लेमर जनरेटर क्लिक करना है, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर जनरेटर जब भी लिखोगे ना तो डिस्क्लेमर जनरेटर बन के आपके सामने आ जाएगा। तो पहले वाला जो आया है डिस्क्लेमर जनरेटर, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। कर देने के बाद फिर से आपको इधर पे आपको अपना जो वेबसाइट है वो वेबसाइट डाल देना है और इधर पे आपकी वेबसाइट का फिर से नाम डाल देना है और इधर पे यूआरएल डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ और नेक्स्ट बटन में क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ पे आपको अपना कंट्री चूज कर लेना है, तो मेरा जो कंट्री है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। और इधर पे अपनी वेबसाइट जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डाल दोगे और जनरेटर माय डिस्क्लेमर में क्लिक करोगे। कर देने के बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर बन के आ जाएगा और डिस्क्लेमर को आपको पेजेस बना लेना है, ठीक है। तो पेजेस के अंदर वो डिस्क्लेमर वाला जो भी कंटेंट हमने तैयार किया है जनरेटर पेज से वो यहाँ पे हम डाल देंगे और इसको कंपोज कर दोगे। और अभी यहाँ पे आने के बाद जो डिस्क्लेमर को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर पे डाल दोगे डिस्क्लेमर, ठीक है। तो आपका डिस्क्लेमर पेज बनके तैयार हो जाएगा। दो पेज बना लिया, अभी डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी, अभी टर्म एंड कंडीशन। तो टर्म एंड कंडीशन के लिए भी आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन डालना होगा, तो मैं डाल देता हूँ। टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, तो अभी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जनरेटर वाला आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन वाला, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। और फिर से आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डालना है, फिर से यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देना है और इधर पे अपने वेबसाइट का URL डाल देना है। अभी नेक्स्ट कर दोगे, फिर से आपको कंट्री चूज कर लेना है और आपका स्टेट जो भी होगा वो स्टेट डाल दोगे और यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल दीजिए, कोई भी चल जाएगा। तो टर्म एंड कंडीशन जनरेटर होके आ गया है, अभी टर्म एंड कंडीशन भी डाल दूंगा पेजेस में। ये वाला टर्म एंड कंडीशन में डाल देता हूँ इधर पे और फिर से इधर पे कंपोज कर लूँगा। और टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा इधर से कॉपी करके मैं टाइटल के अंदर इसको लगा दूँगा। अभी हो गया है, सिर्फ पब्लिश कर देना है आपको। टर्म एंड कंडीशन और इधर पे आपको डालना है डीएमसीए जनरेटर। तो
तो DMCA बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी कॉपीराइट आता है तो उसके लिए। तो बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं और यूट्यूबर भी नहीं बोलते हैं कि नहीं लगाओगे सिर्फ 5 पेजेस बनाओ हो जाएगा, पर मैं सलामत दूंगा आपको, आप ज़रूर बनाओ। DMCA जनरेटर, तो आपको DMCA भी आपको जनरेट करना होगा अपने वेबसाइट के लिए। तो DMCA जनरेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम डालना है, मतलब जो भी वेबसाइट का नाम है वो डाल सकते हो आप, या ऑथर का नाम है, इधर पे ऑथर का नाम जो भी आप रखना चाहते हो। ऑथर का नाम आपको कहाँ पर से मिलेगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इधर पे देखो ऑथर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो मेरा नाम ऑथर है। या फिर व्यू प्रोफाइल करोगे और यहाँ पे ऑथर नाम आ जाएगा, डिस्प्ले नेम, तो इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करके आपको DMCA सेक्शन पे चले जाना है और इधर पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे योर एड्रेस, तो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो कोई भी एड्रेस। और यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करना है और यहाँ पे कोई भी इंफ्रीजिंग नेम डाल सकते हो। और ओरिजिनल कंटेंट URL, अपने वेबसाइट का जो भी URL है वो कॉपी करोगे और इधर पे आके यहाँ पे डाल सकते हो। इधर पे भी आपको वही करना है और यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम डाल देना है। तो वेबसाइट का नाम हमारा क्या है, तो वेबसाइट का नाम यहाँ पे सरकारी एजुकेशन है, तो इसको आप कॉपी करोगे इधर से और यहाँ पर आके डाल दोगे। सिंपल आप जनरेटर बटन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जनरेटर बटन में क्लिक करते ही आपके सामने तैयार होकर आ जाएगा। सिंपल यहाँ से कॉपी करोगे और फिर से आपको चले जाना है पेजेस वाला ऑप्शन में, और जाने के बाद इधर पे आप डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हो या डायरेक्ट वहाँ से ले भी सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, DMCA, ये हो गया आपका DMCA वाला पेजेस। तो यहाँ पर हो गया DMCA वाला। अभी अबाउट अस, अबाउट अस कुछ भी डाल सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी है अबाउट अस पेज बनाना, तो वही यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने एक अबाउट अस वाला यहाँ पे बना के रखे थे कुछ टेक्स्ट, जहाँ पे मैं अबाउट अस पेज में डालूंगा। तो अबाउट अस पेज यहाँ पे बन के तैयार होके आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा स्टाइल करके दे दूंगा क्योंकि थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं बंगाली के ऊपर बना रहा हूँ, तो बंगाली एजुकेशन के ऊपर, तो बंगाली लैंग्वेज ही बंगाली फॉन्ट ही रखूँगा। तो यहाँ पर बंगाली फॉन्ट बन के आ गया है। अभी इधर पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉन्ट है वो एकदम स्टाइलिश करके आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो गया है अबाउट वाला ऑप्शन। तो ऊपर में आप यहाँ पे डालोगे अबाउट, अभी इसको पब्लिश कर देता हूँ। अभी आप सोचोगे कि कॉन्टेक्ट अस पेज आप कहाँ से बनाओगे, तो कॉन्टेक्ट अस पेज के लिए आप गूगल फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। तो इधर पे गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा थोड़ा स्क्रॉल करके, तो गूगल फॉर्म में आपको कॉन्टेक्ट अस पेज ऑलरेडी बना हुआ भी मिल सकता है और आप खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पेज को सिंपल ले लोगे। तो कम समय के लिए मैं इसको ही चूज़ कर रहा हूँ। नेम, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस बार को मैं यहाँ पे हटा दूंगा, एड्रेस बार को मैं इधर से जाके इसको डिलीट कर दूंगा एड्रेस बार को, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। फ़ोन नंबर और कमेंट, जो भी कमेंट के जगह इधर पे मैं रखा हूँ नेम, और इधर पे फ़ोन नंबर और कमेंट, कमेंट के जगह मैं इसको मैसेज रखता हूँ। तो ये हो गया मेरा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज। अभी इसको सेंड वो जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करोगे और इधर पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक है और इधर पे एक एम्बेड वाला ऑप्शन है, तो मैं एम्बेड वाला ऑप्शन को ही चूज़ करूँगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर न्यू पेज में क्लिक करके मैं इसका नाम रखने जा रहा हूँ इधर पे,
थोड़ा चेंज करके इसका नाम मैं रखने वाला हूँ कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज भी हमारा बन गया है। तो अभी इधर से इधर को सबको डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, तो अभी हमें सारे के सारे पेजेस को पहले ओपन कर लेना है। पहले इन सभी को हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेज को एक बार में इंडेक्स करना होता है। पहले आपको पेज इंडेक्स करना है, उसके बाद ही आर्टिकल को। अभी मैं पेजेस को इंडेक्स कर लूँगा, सारे के सारे पेजेस को। तो इसके लिए मैं सारे के सारे पेजेस ओपन कर रहा हूँ। पहले एक कॉन्टेक्टस बन गया और उसके बाद अबाउट अस पेज बन गया, उसके बाद डीएमसीए पेज बन गया, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पेज बन गया, उसके बाद डिस्क्लेमर पेज बन गया और उनके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो अभी इन सारे पेजेस को साइट के अंदर मुझे यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे लेना है अबाउट अस वाला। ये रहा मेरा अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर जो भी है मैं इसको कॉपी करता हूँ और ब्लॉगर के अंदर जाने के बाद लेआउट सेक्शन में क्लिक करूँगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टेप आप मिस्टेक मत करना, ताकि बाद में आपको कोई भी एरर आए या इशू आए। तो उसी कारण पेंसिल आइकन में क्लिक करने के बाद इधर से अबाउट अस वाला पेज डाल दिया और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस वाला पेज यहाँ पर लगाना है। तो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज किधर पे है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस वाला पेज देख रहे हो आप, जो मैं गूगल फॉर्म से उठाया था वही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ब्लॉगर पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज का यूआरएल कॉपी करके फिर से इधर पे आपको डाल देना है, बस सेव कर दो। उसके बाद यहाँ पे डीएमसीए वाला पेज, तो डीएमसीए वाला पेज मेरा इधर पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो डीएमसीए वाला पेज से यहाँ पे दिख रहा है। तो इधर पे मैं डीएमसीए वाला पेजेस का यूआरएल डाल दूंगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन, बस मेरा काम तो खत्म हो गया। ये रहा टर्म एंड कंडीशन वाला, तो मेरा काम खत्म। अभी इसको पूरा सेव कर दूंगा। तो इतना तक मेरा काम हो गया है दोस्तों। तो अभी एक बार नीचे का फुटर मेनू मुझे चेंजेस करना है। यहाँ पे फुटर कॉपीराइट, फुटर मेनू लिंक, तो फुटर मेनू लिंक में क्लिक करोगे और फिर से आपको यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और इधर पे क्या रखना है, डीएमसीए। DMCA और DMCA वाला URL को यहाँ से कॉपी करो, फिर से फुटर ऑप्शन में जाओ और इधर पे DMCA वाला ऑप्शन को डाल दो, सेव कर दो और इधर पे टर्म एंड कंडीशन भी डाल दो। टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन वाला जो भी है यूआरएल उसको कॉपी करो फिर से और इधर पे नीचे डाल दीजिए। हो गया। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो यूआरएल है उसको कहाँ से कॉपी करोगे, उसको इधर से आपको उठाना है। ठीक है, इधर से आपको उठाना है और इधर पे जाके पेस्ट कर देना है। हो गया। कॉन्टेक्ट स्टेटस वाला पेज को भी आपको इधर से ही उठाना होगा। और अबाउट अस वाला जो पेज है वो भी आपको सेम टू सेम करना है, ताकि आप ऊपर में जो किए हो वही यहाँ पर रहे। कोई भी जगह आपको खाली नहीं छोड़ना है, जहाँ पर भी आप खाली छोड़ोगे उधर से आपको पॉलिसी का एरर इशू आएगा और एडसेंस अप्रूवल में टाइम लग जाएगा। ठीक है, कम समय में अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो मैं जो भी टिप्स दूंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। तो अभी क्या हुआ, हमारा पेजेस बनाना बहुत हो गया है, सभी पेजेस। ठीक है, अभी सभी पेजेस को हम एक साथ में इंडेक्स करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एक साथ में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पांच पेज पहले इंडेक्स हो जाएगा एक बार में ही। इसके लिए जो भी मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ वो गौर से देखिएगा। पेजेस का साइट मैप लगाने के लिए आपको चले जाना है आपका गूगल सर्च कंसोल में और यहाँ पर आके आपको साइट मैप
pages.xml ऐसा आपको रख के फिर से आपको इसको सबमिट कर देना होगा। ठीक है, देखो मैं अभी इसको डाल देता हूँ और इधर पे मेरा 6 पेजेस था, वो सारे के सारे डिस्कवर पेज में बन के आ गया है। ठीक है, मैं 6 पेज बनाया था इधर पे, आप देख सकते हो पेजेस में कितना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 पेज का जो URL है वो सारे के सारे आ गया है, मतलब पेज इंडेक्स होने वाला है। कल सुबह 24 घंटे के बाद ये इंडेक्स हो जाएगा पेज, आप सर्च करोगे तो आपको सर्च में दिख जाएगा। और जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप हर रोज एक पोस्ट लिखोगे ना आपके वेबसाइट के ऊपर, तो तुरंत ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। पोस्ट कैसे लिखना है, मैं पोस्ट का एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये जो साइट है, इस साइट पे मैंने पोस्ट लिखा है, ये भी मैंने क्या डाला है, एजुकेशन रिलेटेड डाल रहे हैं। और आपको रेंडमली क्वेश्चन डालना है, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन डाले हैं उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं, ऑप्शन डाले हैं और चारों ऑप्शन डाले हैं, जो भी आंसर है उसका मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप सभी जगह देख सकते हो। ज़्यादा नहीं, आपको इधर पे सिर्फ 30 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, MCQ करके, तो मैं यहाँ पे MCQ डाला हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो MCQ डाला हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर। और आपको भी ऐसा ही करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, पहले इसके लिए मैं गूगल डॉक्स फाइल को यूज़ करता हूँ। आपके पास शायद गूगल डॉक्स फाइल है, गूगल डॉक्स फाइल के ऊपर पहले यहाँ पे आपको वो टाइटल डालना है, उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ बहुत यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन डालोगे, वॉइस टाइपिंग का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे टूल्स ऑप्शन को क्लिक करोगे और यहाँ पे वॉइस टाइपिंग का सिस्टम है। ठीक है, वॉइस टाइपिंग का सिस्टम है, इसको एनेबल कर लोगे, कोई भी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, कोई भी लैंग्वेज है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे टाइप करोगे और वॉइस करोगे, अपना वॉइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप करके देगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया था। बनाने के बाद ये जो क्वेश्चन आप डालोगे ना वेबसाइट में, रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ताकि क्वेश्चन एक लाइन से इधर भी चला जा सकता है। तो आपको इधर से लेके आपको पहले नोटपैड में डालना है, नोटपैड से कॉपी करके डायरेक्टली आप डाल सकते हो, या आप जो वर्डपैड है वर्डपैड का भी सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके आप क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हो, एक के एक बाद एक नया नया क्वेश्चन। जस्ट आपको यहाँ पे कितना क्वेश्चन डालना है मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो ऑप्शन है, इधर पे आपको 10 क्वेश्चन डालना है, करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन डालना है, और सभी MCQ के अंदर आपको 2 से 3 पैराग्राफ करके डाल देना है। यहाँ पे 3 पैराग्राफ, इधर पे 3 पैराग्राफ ऐसे डालना है, और इधर पे पेजेस बनेगा, तो कम टाइम में एडसेंस अप्रूवल होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आर्टिकल लिख के कैसे आर्टिकल को SEO करना होता है, मतलब कितना ट्रैफिक होने के बाद आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल दे देगा, वो दिखाऊंगा, एकदम लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे कि आज वीडियो में, इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। और आपको मैं एक बात बोल देता हूँ, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो हर एक दिन आपको मेहनत करना होगा, हर एक दिन आपको एकदम रूटीन वाइज आपको यहाँ पे कंटेंट डालना होगा, ताकि जो एडसेंस को पता चले यहाँ पे इम्प्रेशन आ रहे हैं, ये लोग बंदा काम कर रहा है, आगे में भी इसका काम बहुत आगे बढ़ेगा, अभी फिलहाल इतना ही हो रहा है। तो आपको ऐसा ही कर लेना है जैसे कि यूट्यूब में चलता है, आप रेगुलरली जितना वीडियोस डालोगे उतना आपका चैनल का इम्प्रेशन बढ़ेगा, कंटेंट में भी वही रहता है, कंटेंट जितना भी चाहे आप कंटेंट लिखना, आपको उतना SEO जानना होगा। ठीक है, मतलब उतना आपको इम्प्रेशन देगा, जितना आप डालोगे हर डे उतने के ज़्यादा आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा। तो गूगल सर्च कंसोल में अगर आपका 15-20 भी ट्रैफिक आ रहा है ना, क्लिक्स आ रहे हैं कुछ, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल दे देगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट दिन में गूगल एनालिसिस से कैसे कनेक्ट करना होता है, टैग मैनेजर क्या है, टैग मैनेजर का यूज़ क्यों हम करते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और गूगल एडसेंस क्लास 2 में बस फिलहाल इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।